नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के राजनीतिक गलियारे से मिल रही है। राजस्थान में फोन टेपिंग के मामले को लेकर बीजेपी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिल्ली में तुगलक रोड स्थित थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये बीजेपी का अभी का सबसे बड़ा स्टैंड है और लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है, लेकिन आज पहली बार ऑफिशियली मुकदमा भी बीजेपी द्वारा दर्ज करा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जांच एजेंसियां काम करती है और क्या राजस्थान सरकार में इस मामले को लेकर के बदलाव देखा जाता है, क्या कुछ होता है, ये आगामी दिनों में देखा जाना होगा। लेकिन बता दें कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में राजनीति का पारा लगातार हाई है, वहीं दूसरी तरफ अब राजस्थान में इस फोन टिपिंग मामले को बीजेपी ने एक स्टैंड बनाया है और अब बीजेपी इस मामले में कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी चाहती है। या यूं भी कहना उचित होगा कि राजस्थान में जिस तरह से उपचुनाव नज़दीक हैं और लगातार टिकट की घोषणा की जा रही है, ऐसे में ये मामला किस तरह से तूल पकड़ता है और दिल्ली के तुगलक रोड स्थित थाने में ये मुकदमा अभी दर्ज किया गया है। फोन टैपिंग मामले को लेकर अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये हमें मिल रही है और इस मामले को लेकर के हम आपको आगे भी अपडेट करेंगे। देश और समाज हित से जुड़ी हुई स्टोरीज पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।